आगरा का जामा मस्जिद एक बार फिर से सुर्खियों में है। मामला इस बार गंभीर है और कोर्ट में भी जा चुका है। मामले को लेकर नोटिस जारी हुए हैं। दरअसल कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में ये दावा किया जा रहा है कि जामा मस्जिद में भगवान कृष्ण की मूर्तियां दबी हैं। अब जामा मस्जिद में सीढ़ियों की खुदाई की मांग के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। ये याचिका आगरा के सेशन कोर्ट में दायर की गई है। ठाकुर देवकी नंदन का ये कहना है कि भाईचारे का कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला और अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दौरान आगरा में उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। उस समय जब औरंगजेब ने मंदिर फोड़े गए थे, उन लोगों के साथ में रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी किताबों में लिखी है। हमारे अनेक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने इस बात को लिखा है कि वो भूमि जो मूर्तियां हैं वो सीढ़ियों में हैं और आज भी लोग उस पर चढ़ के जा रहे हैं, आज भी हमारे भगवान कुचले जा रहे हैं और हमारे भारत में 100 करोड़ लोगों की ही भावना को कोई समझने वाला नहीं है। तो अभी भी 31 मई को उनके पास एक ऑप्शन है कि वो जब अपना पक्ष रखें तो एज ए भाईचारा निभाते हुए कहे कि ठीक है आप जांच कर लीजिए और एक कोई टीम गठित की जाए कोर्ट के माध्यम से और वो जाके इस चीज को चेक करें। अगर हमारे ठाकुर जी हैं तो मैं तो आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी से पहले ये हमारे मुसलमान भाइयों के पास में बहुत बढ़िया बेहतरीन ऑप्शन है कि वो भाईचारा निभाते हुए जामा मस्जिद की चेकिंग कराएं। सीढ़ियों में अगर गोविंद मिलते हैं तो वो हमारे गोविंद को हमें दे, जिससे हम वहां जहां से आए वहीं गोविंद की पूजा आने वाली जन्माष्टमी पे कर सके। आगरा की जामा मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण की मूर्तियों के दबे होने का दावा करने वाले प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने अब इस लड़ाई को कानूनी रूप दे दिया है। उनका ये दावा है कि आगरा की जामा मस्जिद में श्री कृष्ण की मूर्तियां नीचे दबी हुई है, वहां से गुजरने वाले लोग इन मूर्तियों को रौंद रहे हैं। कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन ने मुस्लिम समाज और जामा मस्जिद प्रशासन को सीढ़ियां खोदकर भाईचारा निभाने के लिए समय दिया था। उनकी ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आने के बाद अब इस मामले में एक कमेटी बनाकर याचिका दायर कर दी गई है। देवकी नंदन ने यह भी दावा किया था कि 1670 में मुगल आक्रांता औरंगजेब ने मथुरा में हिंदू जनमानस के आराध्य भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर प्राचीन ठाकुर केशव मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि औरंगजेब ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केशव देव मंदिर की मूर्तियां आगरा स्थित जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया। आपको बता दें कि कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर आगरा के जामा मस्जिद में सीढ़ियों की खुदाई की मांग कई बार खुले मंच से भी कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम पक्ष को वक्त भी दिया था। उन्होंने ये कहा था कि भाईचारा दिखाते हुए वह खुद इन सीढ़ियों की खुदाई के लिए आगे आए, नहीं तो हमारी ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब देवकी नंदन ठाकुर ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू भी कर दी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।